इस अवसर पर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है जी। असामाजिक तत्वों रैश बाइकर्स स्माइकर्स पे कड़ी नजर है, पकड़े जाने के बाद बक्सा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वहां से पुनः अग्रवाल टोली रोड होते हुए शांति पट वृक्ष, वहां से बड़ी मस्जिद, एक टीम जो है वहां से कागजी मोहल्ला होते हुए एक टीम के साथ मैं खुद बड़ी मस्जिद के पास से थाना मोड़ होते हुए जेपी चौक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इसमें 20 हजार जवान करीब 100 की संख्या में साथ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। क्षेत्र के हर कोने कोने और गली गली में फ्लैग मार्च हुआ है। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में सिवान। कॉल करें 7042061504827177691 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। चेहल्लुम का जुलूस और महाबली अखाड़े के जुलूस को लेकर के सिवान के नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम पूरे दल बल के साथ शहर में उतरकर फ्लैग मार्च किए। दरअसल आपको बता दें कि 25 तारीख को रात में और 26 तारीख को दिन में चेहल्लुम का जुलूस मनाया जा रहा है, और वही 27 तारीख को रात में और 29 तारीख को दिन में महाबरी अखाड़े का जुलूस सिवान में निकलने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। बताते चले कि इस बार असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बाहर से रैपिड एक्शन फोर्स भी मंगा दिए गए हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं कि क्विक एक्शन में इस बार दिखाई दे रहे हैं सुदर्शन राम, जो कि नगर इंस्पेक्टर हैं। तो आपको बताते चले कि चेहल्लुम और महाबरी अखाड़े का जुलूस शांति प्रिय तरीके से संपन्न कराने के लिए यह तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे प्रशासन के कुनबे को लेकर के नगर थाना अध्यक्ष उतरे हैं, जो कि रैपिड एक्शन की टीम बाहर से बुलाई गई है, और भी बहुत सारे कंपनियों को बुलाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सैयद माँ जरफी भी मौजूद हैं, जो भाजपा के नेता और शांति समिति के सदस्य भी हैं। ये जो फ्लैग मार्च है शहर के कई इलाकों से होते हुए और फिर जेपी चौक पर पहुँच करके और वहाँ पर समाप्त हो गया। तो बिल्कुल एक बार आपको बताते चले कि 25 तारीख को रात में चेहल्लुम का जुलूस निकलेगा, 26 तारीख को दिन में निकलेगा, और वही महाबेड़ी अखाड़े का जुलूस सिवान में 27 तारीख को रात में और 29 तारीख को दिन में निकलेगा, जिसको लेकर के प्रशासन की पूरी तैयारी है। वही इंस्पेक्टर ने इस बार अल्टीमेटम दिया है कि असामाजिक जो तत्व हैं वो अगर पाइप या किसी भी तरीके का हथियार जो है लेकर के अखाड़े में चलेंगे तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, 107 की भी उन पर कार्रवाई की गई है, और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी अखाड़े के दिन की जाएगी, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी तमाम जो अखाड़े के रूट है उस रूट में लगाए जाएंगे। तो अब सचेत हो जाने की ज़रूरत है असामाजिक तत्वों को, खास करके क्योंकि प्रशासन इस बार आपको भकसने नहीं जा रही है। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि नगर इंस्पेक्टर सुदर्शन राम और सैयद माजरफी, जो भाजपा के नेता हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, उनका क्या कुछ कहना है। एडियन लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार सिवान। जो
जो अभी निकला हुआ है फ्लैग मार्च, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ तक? चेहल्लुम और महावीर त्यौहार के अवसर पर जी आज फ्लैग मार्च किया गया है जी। अभी अभी दाहा नदी के पास से पिकअप वाहन द्वारा जी पी देवी मोड़ जी सराय मोड़ जी कागजी मोहल्ला जी शांति बट वृक्ष जी डी ए वी मोड़ जी नया किला होते हुए करबला और करबला से पुनः नया किला से पैदल मार्च, वहां से पुनः अग्रवाल टोली रोड होते हुए शांति पट वृक्ष, वहां से बड़ी मस्जिद जे जे। एक टीम जो है वहां से कागजी मोहल्ला होते हुए जेपी चौक निकल रहा और एक टीम के साथ मैं खुद बड़ी मस्जिद के पास से थाना मोड़ होते हुए जेपी चौक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इसमें बी साहब के जवान एवं रैफ के जवान करीब 100 की संख्या में साथ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। क्षेत्र के हर कोने कोने और गली गली में फ्लैग मार्च हुआ है। सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी गई है और रैश बाइकर्स मनचले को चिन्हित कर लिया गया है और वैसे के विरुद्ध अगर गलती करते पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। दोनों त्यौहार है, चेहल्लुम भी है और महावीर चेहल्लुम भी है और महावीरी त्यौहार भी है। महावीरी अखाड़ा आपको 27 और 29 को है, चेहल्लुम त्यौहार 25 और 26 को है। इस अवसर पर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और असामाजिक तत्वों रैश बाइकर्स स्माइकर्स पे कड़ी नजर है। पकड़े जाने के बाद बक्सा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। क्या अपील करेंगे जिले के लोगों से, क्या कुछ अपील होगी? आम लोगों से मेरा यही अपील होगा कि पूर्व की भांति जिस तरह से हर त्योहार में सहयोग करते आए हैं, इस त्योहार में उन लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और विश्वास भी है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस दोनों त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु अपना सहयोग देंगे। क्या कहना चाहेंगे अरफी जी, चेहल्लुम का भी जुलूस और महावीर अखाड़े का भी जुलूस जी? नगर थाना अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पिछले साल जिस तरह अमन सुकून से पूरा त्यौहार दोनों धर्म का पूरा संपन्न हुआ, उसी तरह प्रयास है कि सिवान एक शांतिपूर्ण माहौल में लोग मेला और त्यौहार का मज़ा उठाएं। उसके लिए हमारे नगर थाना अध्यक्ष और एसपी कप्तान महोदय, डीएम साहब और ज़िला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर लगातार इंस्पेक्टर साहब करीब 11:30 बजे से रोड पर हर रूट पे फ्लैग मार्च पैदल कर रहे हैं इस तपती गर्मी में। ये सिवान के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि शहर कोतवाल जो है वो पर्व त्यौहार को संपन्न कराने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और सिवान की आवाम से मैं अपील करूँगा कि वो लोग भी प्रशासन को सहयोग करें और मेला त्यौहार जो है ये इखलाक और खुशी का माहौल है, इसको खुशी में करें और जो असामाजिक तत्व हैं वो ज़िला छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि शहर में सिवान में ये असामाजिक तत्व का कोई ये गृह प्रवेश नहीं है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और त्यौहार बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। दोनों कौम के लोगों से अपील क्या होगी? दोनों लोगों से जिस तरह हमारे सिवान का एकता का प्रतीक है, दोनों लोग मिलकर के मनाएंगे और पूरी उम्मीद है और प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और आवाम को भी सहयोग प्रशासन को करना चाहिए। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स ऑल कैंपस CCTV कैमराज कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल म्यूजिक पेंटिंग योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक शिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में। खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबुजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर सिसवन ढाला के नजदीक सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959।